आपका पत्र लेखा के रिलेशनशिप पर काफी कुछ कहा जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि हम लोग किसी को डेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। यार सुना आपने राजकुमार राव का ये कन्फेशन ऑन हिज लव लाइफ। ये कहना चाहेंगे जो कहा जा रहा है कि हम लोग किसी को डेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। यार जी हाँ, रिसेंटली एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में आए पत्र लेखा के एक्सेप्टेंस के बाद अब राजकुमार ने भी मीडिया के कैमरास के सामने कर ही दिया अपनी सिटी लाइट्स को स्टार पत्र लेखा के साथ अपने रिश्ते पर ये खुलासा। आपका पत्र लेखा के रिलेशनशिप पर काफी कुछ कहा जा रहा है, अच्छा ही कहा जा रहा है ना। हाँ तो आप कुछ कैमरा पर कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जो कहा जा रहा है कि हम लोग किसी को डेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। यार हाँ, इस रिश्ते को आगे ले जाने की बात पर जरूर राजकुमार ने ये कह दिया। और कुछ साल लग जाएंगे और आगे तक ले जाने में। लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कम्फर्ट लेवल देख ये तो साफ है कि दे आर क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंट विद ईच अदर। बात इनकी फिल्म की तो 30th मई को रिलीज हुई सिटी लाइट्स को सभी से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। सोने दो ख्वाब बोने दो। थैंक यू सो मच इन लोगों ने फिल्म देखी है और वो सब लोग जो हमारी फिल्म को पसंद कर रहे हैं और इतने शानदार रिव्यूज आ रहे हैं फिल्म के। बस जस्ट थैंक यू एंड इट्स एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस यार। और जिन लोगों ने नहीं देखी जाइए देखिए। इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस पर भी इस लो बजट फिल्म ने पहले वीकेंड में लगभग 4 करोड़ की कमाई कर अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया है, जिस पर राजकुमार ने जाहिर की अपनी खुशी। ख्वाब बोने दो। नंबर गेम में मैं बिलीव करता हूँ, ऐसा नहीं कि नंबर गेम बिलीव नहीं करता हूँ। आई थिंक फिल्म को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, उसको क्रिटिकल भी अक्लेम मिले और पैसा भी कमाए। अभी तक टचवुड सब फिल्मों के साथ ऐसा रहा है मेरी फिल्मों के साथ, एंड आई जस्ट होप कि सिटीलाइट्स की जो सक्सेस है वो और भी आगे बढ़े। लेकिन मजे की बात तो ये है कि एक्चुअली ये दोनों यहाँ किसी प्रेस इंटरेक्शन के लिए नहीं बल्कि आए थे एक सीक्रेट मीटिंग के लिए, लेकिन हमारे कैमराज ने इन्हें स्पॉट कर लिया। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, हम लोग कहीं और आ रहे थे। यार वी हैव कम हियर फॉर अ पर्सनल मीटिंग बट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। चलिए कोई बात नहीं राजकुमार, मीडिया ने आपको भले ही गलत जगह पकड़ लिया हो लेकिन वी आर ग्लैड कि इसी अनअवेयर मीडिया कॉन्फ्रंटेशन में आपके फैंस को आपकी लव लाइफ से जुड़ा ये कॉन्फर्मेशन तो मिल ही गया। ये कहना चाहेंगे जो कहा जा रहा है कि हम लोग किसी को डेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सच है, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। यार यर्स विशिंग यू बोथ गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। कुछ साल लग जाएंगे और आगे तक ले जाने में। थैंक यू। जाने तू कहां, कौन सी गली, कौन सा जहां।